अरे भाया, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। पता नहीं फुरफुरी नगर का शो कब शुरू होगा। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। हाँ, मुझे पता है कि फुरफुरी नगर के लोग अपने पार्टिसिपेंट्स का एरोप्लेन शो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि आपके अपने फुरफुरी नगर के पार्टिसिपेंट्स अब अपना एयर शो दिखाएंगे और उनको लीड कर रहे हैं मोटू और पतलू। लाजवाब शो दिखाया जो कि काबिले तारीफ है। तालियां। नेक्स्ट शो के बारे में एयर मार्शल सिन्हा बोलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, अगला शो होगा इनविजिबल प्लेन का। ये प्लेन जब चाहे गायब हो सकता है और किसी को नहीं दिखेगा। इसके साथ साथ इसकी आवाज भी म्यूट हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि प्लेन आ गया है। हमने अपनी टीम के साथ मिलकर कई सालों की रिसर्च के बाद इनविजिबल प्लेन को बनाने में सफलता पा ली है। पूरी दुनिया में इस तरह का ये पहला प्लेन है। इनविजिबल प्लेन हमारे देश का गौरव है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द इनविजिबल प्लेन। संभालो, मैं नीचे पायलट की हेल्प करता हूं।
और ना ही कॉकपिट। ये प्लेन मेरी समझ से परे है। अरे मोटू, प्लेन वैसा का वैसा ही है, बस पलट कर उल्टा हो गया है। क्या? प्लेन पलट कर उल्टा हो गया है? अरे कोई इसे सीधा कराओ, सीधा करो ना। उल्टा करो। अरे भैया, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। क्यों सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो? लगता है उसके पास पैराशूट नहीं है। मोटू, शाबाश मोटू। थैंक यू वेरी मच मोटू, तुम नहीं जानते आज तुमने कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू वेरी मच। फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अरे छुप जाओ, कवर कर लो। वो दुश्मन के आदमी हैं, उन्हें रोको, वो हमारा प्लेन ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर चिंगम, क्या यही है आपका सिक्योरिटी अरेंजमेंट? हमारे इनविजिबल प्लेन की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी। क्या किया आपने? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और वो लोग आपकी आंखों के सामने से प्लेन ले गए। अगर वो प्लेन वापस नहीं मिला तो मैं आपकी नौकरी ले लूंगा, आपको जेल भेज दूंगा। समझ रहे हो आप? अब बोलती क्यों बंद हो गई है? कुछ तो बोलो। कहाँ गया ये? डर के भाग तो नहीं गया? एयर मार्शल सर, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम प्लेन को कहीं से भी ढूंढ कर वापस लाएंगे। अरे सर, ये फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है और हम उस पर कोई दाग नहीं लगने देंगे, पक्का। जी सर, हम वादा करते हैं। ओके मोटू पतलू, आप दोनों कहते हो तो मैं थोड़ा टाइम वेट करता हूँ। और उस चिंगम को बता देना, छुपने से कुछ नहीं होगा, मैं उसकी नौकरी लेकर रहूंगा। मुझे बचा लो, मेरी नौकरी जाएगी, मैं जेल में जाऊंगा। चिंगम सर, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम प्लेन को ढूंढ लेंगे। हाँ चिंगम सर, ये आपके ही नहीं बल्कि हमारे पूरे फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। हम सब मिलकर जाएंगे और प्लेन कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाएंगे। हम धरती का सीना चीर के आसमानों में छेद करके समंदर में घुस के कहीं से भी वो प्लेन लेकर आएंगे। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू। वैसे मेरे मरीजों की, मेरे पास एक आइडिया है यारो। हर प्लेन उड़ते समय अपने पीछे धुएं का, यानी कि स्मोक एंड हीट का ट्रेस छोड़ जाता है। मैं अपने हीट एंड स्मोक ट्रेसिंग गैजेट से उस प्लेन को ट्रेस कर सकता हूँ यारी। जय हो। फिर बड़े भैया, देर किस बात की है, जल्दी चलो। अब उस आदमी की खैर नहीं जो हमारा प्लेन लेकर गया है।
अंगारा उस कैप्सूल में क्या कर रहे हैं? वो आग और बर्फ का संतुलन बना रहे हैं। तुम नए हो इसलिए नहीं जानते कि अंगारा के बदन में बेशुमार आग भरी है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि लोहे को छू के पिघला सकते हैं। टॉमी सिंह, अंगारा को बोलो कि इनविजिबल प्लेन आ गया है। गोला बारूद, तुम दोनों तैयार हो? जी हाँ टॉमी। अंगारा बॉस, इनविजिबल प्लेन आ गया है बॉस। आखिरकार वो इनविजिबल प्लेन आ ही गया। अब हम सारी दुनिया पर राज करेंगे। हम? हाँ बॉस, हम। फिर हम मेरे अंदर की आग को भड़काओगे तो खाक में मिल जाओगे। बेवकूफ हम नहीं, मैं। गुस्सा मत हो बॉस, गुस्सा मत हो। संतुलन संतुलन, आग और बर्फ का संतुलन बना के रखो बॉस। ओके बॉस, गलती हो गई। हम नहीं, मैं। क्या कहा भाई, तुम दुनिया पर राज करोगे? बॉस, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं? हम नहीं कहूं, मैं नहीं कहूं। ओके ओके, समझ गया। आप सारी दुनिया पर राज करेंगे। आप ठीक है बॉस? बेटर। गोला बारूद, काला खट्टा। ये लीजिए बॉस, काला खट्टा। अब इनविजिबल प्लेन की फौज बनाऊंगा और पूरी दुनिया पे राज करूंगा। सीकिंग गैजेट कुछ शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है यार कि उसने उड़ना बंद कर दिया है और यही कहीं लैंड कर गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनविजिबल प्लेन यही कहीं होगा यार। कहाँ है? समोसे समोसे
समोसे। किसी ने सच ही कहा है, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखता है। नीचे देखो मोटू, नीचे। अरे पतलू, हरे रंग की छोड़ो, समोसे की खुशबू तो लो। समोसे। नहीं है यार, और खाओ समोसे बादलों में, और खाओ। है यारी, सॉरी बड़े भैया, चाहे जो भी कह लो, पर पहले मुझे कुछ खाने को दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अच्छा बाबा, खाना देते हैं, देते हैं खाना। क्या? खेल रहे थे, समझ नहीं आया। अम्मा, ये हमारा खाना चुरा कर भाग गए। नहीं, मेरा खाना, हमारा खाना वापस लाओ। पकड़ो, पकड़ो उन्हें, उन्हें पकड़ो। मैं इनको अपने मुंह का निवाला छीनने नहीं दूंगा। मोटू, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोग सच में बड़े शातिर निकले। आगे चलते हैं, शायद कोई मिल जाए जिससे हमें मदद मिल सके। मेरे यारो, तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है क्या? डॉक्टर छक्का, इन कपड़ों में तुम जच रहे हो, लेकिन ये तो बताओ, इस बर्फीले वीरान इलाके में तुम्हें कपड़ों की दुकान कहाँ से मिल गई? मेरे भाइयों, मेरे यारो, मेरी कार में हमेशा हर तरह का बंदोबस्त रहता है यार। उसमें सबके लिए गर्मा गर्म कपड़े रखे है यार। क्यों रहे हो यार? गर्मा गर्म कपड़े थे तब बताया क्यों रहे? हम सब कब से ठंड में अकड़ रहे हैं? मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुम लोगों ने पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताता यार, कैसे बताता? लेकिन कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो यार। रुको, मैं अभी तुम सबके लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ यार। घसीटे, मेरे साथ चलो यार।
सुनो साइंटिस्ट, इस इनविजिबल प्लेन की टेक्नोलॉजी मेरे सब प्लेन में ट्रांसफर कर दो। अंगारा सर, ये काम इतना आसान नहीं है। बॉस, हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो सर्विलेंस कैमरास लगा रखे हैं, उनमें से एक ने ये रिकॉर्ड किया है। देखिए। बॉस, कैमरे ने इतना ही कैच किया है। किसकी इतनी हिम्मत जो अंगारा को ढूंढ रहा है? वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे? कैसे? कौन है वो लोग? बॉस, मैं इन्हें जानता हूँ। ये मोटू पतलू है। इन्होंने इनविजिबल प्लेन के पायलट को बचाया था। अब ये इनविजिबल प्लेन ढूंढने आए हैं। तो पता करो कहाँ है वो? उनका बैकअप क्या है? उनके पास हथियार कितने हैं? उनको यहाँ तक आने का रास्ता किसने बताया? पकड़ के लाओ उन्हें, यहाँ मेरे सामने पेश करो। संतुलन बॉस, संतुलन। आग और बर्फ का संतुलन बना दिया ये बॉस। कल सुबह होते ही हमारे आदमी उन्हें पकड़ के ले आएंगे बॉस। वो लोग ये नहीं जानते कि अंगारा की आग को भड़काओगे तो खाक में मिल जाओगे। डोमे सिंह, प्लेन भेजो और उन्हें लेके आओ। अरे बड़े भैया कहाँ है? मैं तो खड़े खड़े थक गया। इतनी ठंडी जगह में ये गर्मी का एहसास कितना अच्छा लग रहा है। पतलू, बर्फ गर्म भी होती है, इस बात का मुझे आज पता चला। तुम सब भी इधर आ सकते हो, आकर थोड़ा सुस्ता लो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है ठंडी में गर्मा गर्म एहसास। अरे पतलू, ठंड से इतना कांप रहे हो, इधर आ जाओ ना मेरे साथ। बर्फ का चीला बहुत गर्म है। तुम्हारे साथ बैठा तो फिर कभी कड़ा नहीं हो पाऊंगा। हाँ पतलू, बर्फ है, गर्म बर्फ। और जैसे गर्मियों में हवा चलती है, वैसे ही यहाँ से हवा आ रही है। जल्दी आओ, आओ ना। भालू, क्या भालू? अरे इतनी सर्दी में भालू कहाँ से आएगा? तुम भी ना पतलू, कहाँ है भालू? कहाँ है? अरे भालू कहाँ है? अरे तुम भी ना पतलू, क्या कहते हो? भालू कहाँ है? मेरे यारो, ये लो, जल्दी से गर्म कपड़े पहन लो। Yeah.
अरे भैया कौन है, थोड़ा देख के खेलो। अरे वो तो ये लोग, तो ये ती लोग है, भागो। पकड़ो इन्हें, पकड़ो पकड़ो, ये जरूर अंगारा के आदमी होंगे। जय हो। अरे ये तो हमारी भाषा ही बोलते हैं। यति भैया मैं मोटू हूँ, ये मेरा दोस्त है पतलू, और ये चिंगम सर घसीटा राम, और ये डॉक्टर झटका। अरे हम किसी अंगारा चिंगारा के आदमी नहीं है, हम तो यहाँ खुद ही फंस गए हैं। पिताजी ये झूठ बोल रहे हैं, इस इलाके में आज तक अंगारा के आदमियों के अलावा कोई आया नहीं है। वो लोग हमारे भाइयों को पकड़ के ले गए हैं, आज मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ जकीरा, हम तुम्हारे भाइयों का बदला लेंगे, और जरूर लेंगे। आज इनके पास लाल गोला उगलने वाला कोई हथियार नहीं दिख रहा है, खत्म कर दो इन्हें। देखिए आप लोग किसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारा एरोप्लेन कोई चुरा के यहाँ ले आया है, और हम उसी की तलाश में यहाँ आए हैं। रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, अब ये हमारे चंगुल में हैं, जब चाहे खत्म कर सकते हैं। लेकिन जल्दी क्या है, मजे ले लेकर खत्म करेंगे। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। कमाल है, हवा में से ये क्या गिरा? उड़ी बाबा, हमें अपना 20 साल का तजुर्बा में पता नहीं चला, तो तुम्हें 20 मिनट में कैसे पता चल जाएगा? ये अजीब सी चीज है, लेकिन हमारे सील हॉकी खेलने के लिए अच्छी है, इसका इस्तेमाल किया जाए। तुम सब चुपचाप खड़े रहो, मैच खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद हम तुम्हें खत्म करेंगे। मार छुटिया पापड़ वाले, नो मैच खत्म और हम भी खत्म। हे ऊपर वाले, इनका मैच कभी खत्म नहीं करना यारी। अरे ये भी कोई मैच है, सील्स पे बैठ के हॉकी खेल रहे हो? अरे ना कोई स्पीड और ना कोई थ्रिल, इससे तेज तो हम लोग डोंकी पर बैठ कर खेल सकते हैं। हमारे पारंपरिक खेल का मजाक उड़ा रहे हो, ये खेल इतना आसान नहीं है। चलो तुम लोगों से मैच हो जाए, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें आजाद कर देंगे, और हार गए तो मैच खत्म, तुम भी खत्म। हम मैच खेलेंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम हमें बताओगे कि ये अंगारा कौन है और कहाँ मिलेगा, जरूर हमारा एरोप्लेन उसके ही पास होगा। मंजूर है, अंधेरा होने वाला है, मैच कल सुबह होगा, इन्हें ले जाओ और कैद कर दो। पतलू ये लोग डिनर कब देंगे, बड़ी भूख लगी है। लो आज आखिरी खाना खा लो, कल के बाद तुम्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुड़ी बाबा, कच्ची मछली कैसे खाएंगे? ये लोग तो ऐसे ही खाते हैं, इन्हें पका के खाने का आइडिया नहीं है ना। लगता है आज रात भूखा ही रहना पड़ेगा। पतलू भूख लगी है, भूख लगी है, और मैं भूखा नहीं रह सकता। पतलू कुछ करो, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। मुझे समोसे चाहिए, समोसे 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 समोसे। अयो मां मोटू, वो समोसे नहीं, कच्ची मछली है, रुक जाओ। स्टॉप इन द रिवर फ्लो, मोटू कंट्रोल योरसेल्फ। ये तो पकी हुई मछली की महक है, ये मछली कौन पका रहा है? ओ मेरे भाइयों,
मेरे यारो, मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो यार? देखो मैं कितने मजे से मछलियाँ खा रहा हूँ, तुम भी खाओ ना यारी। बड़े भैया, तुम्हारे पास आग जलाने के लिए स्टोव था तो बताया क्यों नहीं? हम अंदर भूख के मारे बेहाल हो रहे हैं। बहुत मछली खा ली, आप थोड़ा मार भी खा ले। मिल बाट के मछली खाते हैं यारी। लाल गोला, सब दूर रहो, बचाओ, सब लोग बचो। मत, लाल गोला नहीं, इसे आग कहते हैं। आग, इसका सही इस्तेमाल करो तो कोई खतरा नहीं होता है। क्यों बच्चों, भूख लगी है ना? हाँ, लो लो, तुम भी खाओ, खाओ ना। अरे मत खाओ बच्चों, रुक जाओ, ये आग की मछली है, मत खाओ। मैं भी खाऊंगा। मछलियाँ कभी नहीं खाई। लाल गोला यानी कि आग के फायदे भी हैं। हम तो इनसे सिर्फ डरते थे। लेकिन आग से डरते क्यों थे? काफी समय पहले की बात है, एक दिन मैं अपने तीन बेटों जकीरा, जिसे तुम अभी मिले, साबू और तोबू के साथ कहीं जा रहा था। तोबू को लेकर चले गए। ये देखो, मेरे हाथ पर जलने का निशान अभी तक है। इसी वजह से मेरा तीसरा बेटा जकीरा किसी भी अनजान इंसान को देखता है तो गुस्से से बेकाबू हो जाता है। तब से आज तक मेरे साबू और तोबू का कुछ अता पता नहीं चला। सरदार, आपके ऊपर जो बीती है वो सच में दर्दनाक है, पर अगर आप लोग हमारी मदद को तैयार हो जाए तो हम सब वादा करते हैं कि आपके खोए हुए बेटों को अंगारा की कैद से वापस जरूर लेकर आएंगे। तुम लोग ये मछलियाँ खिला के और मीठी मीठी बातें करके मेरे पिताजी को बुद्धू बना सकते हो, मुझे नहीं। कल सुबह मैच होगा और तुम जीत गए तो ही तुम्हें आजाद किया जाएगा। जकीरा शांत, गुस्सा और आग दोनों को कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्सा खुद को जला देता है
और आग सबको जला देती है। कल सुबह मैच जरूर होगा। बूढ़ी बाबा, हम पूरा बैकपैक लगा के क्यों बाहर निकला है? चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। प्लीज कुछ करो। देखो वो आदमी यहाँ हैं, जिनका खाना हमने चुराया था। जाओ जाओ, उनसे मदद मांगो, वो अच्छे लोग लगते हैं। आहो, आहो। अरे हाँ हाँ, चलो शीलू, चलते हैं उनके पास। फसल अच्छी थी ना? पत्रों को देखो, दो सील और दो पेंगुइन्स, ये लोग वही हैं जिन्होंने हमारा खाना चुराया था। हे शरीफ इंसानों, प्लीज मेरे दोस्तों की मदद करो, प्लीज मदद करो। मदद करो प्लीज, हेल्प हेल्प हेल्प, वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, हेल्प हेल्प। ओहो चोर मंडली, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो हमारा सारा खाना चोरी कर लिया और अब हमसे ही मदद मांग रही हो। हम खाना है खा लो, लेकिन उन्हें छुड़ा दो। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी पकड़ी मछलियाँ, वापस लेकर जाओ, वापस ले जाओ। प्लीज मदद करो, प्लीज मदद करो। ठीक है, हम लोग मदद करते हैं। सुनो बड़े भैया, इन सील्स को छोड़ दो ना, बेचारे मासूम जानवर देखो कितना दुखी है। तुम इनकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, मैच खत्म और तुम भी खत्म। पतलू, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म करने की बात करते हैं। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। पतलू कुछ सोचो ना। आइडिया, सुनो मोटू, अगर तुम इन्हें फुरफुरी नगर भेज दो तो ये तुम्हारे लिए चाय वाले से समोसे ले आएंगे। जय हो, क्या आइडिया है। देखो गार्ड भैया, क्या तुम ऐसी दुनिया देखना चाहोगे जहाँ हरियाली ही हरियाली हो, नाचे मोर, चहचहाती चिड़िया, नदी नाले देखना चाहोगे? हरियाली? अरे वो क्या होता है, दिखाओ दिखाओ, हमें तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है भैया। तो बस मेरा एक काम करते आना, फुरफुरी नगर से मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे ले आना। ठीक है, रेडी स्टेडी गो। चाय वाले भैया सुनो, अरे ये लो पकड़ो, ये समोसे, अरे ये समोसे मोटू को दे देना। थैंक यू सो मच। जाओ, फिर कभी हमारा खाना चोरी मत करना, समझ गए? आप लोगों ने सच में सच बोला था, आपकी दुनिया तो सच में बहुत खूबसूरत है, वहाँ तो बहुत कुछ है। हाँ, नहीं तो हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आप लोग तो सच में महान हैं। ये लीजिए आपके समोसे। जय हो। अरे वो सील्स कहाँ हैं? सील्स तो भाग गए, सॉरी दोस्त, वेरी सॉरी। समोसे। मोटू पतलू, चलो मैच शुरू करते हैं। जकीरा की कल की बातों का बुरा मत मानना, मैच का मजा लो। साथियों दिखा दो उन्हें कि हम क्या कर सकते हैं। Hey!
गोल और हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे और फिर इनको खत्म कर देंगे। अरे दोस्तों जाओ, उन लोगों की मदद करो, वो हमारे दोस्त हैं। है, तुम दोनों जाओ, अब हम खेलेंगे। मोटू, ये तो वही सिल्स हैं जिनको हमने बचाया था, शायद ये हमारी मदद करना चाहती हैं। ये मोटू पतलू भी कमाल के हैं, यहाँ आए एक दिन भी नहीं हुआ और सील्स पेंगुइन से दोस्ती भी कर ली। ये अंगारा के आदमी हो ही नहीं सकते। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें आजाद करूंगा और अंगारा का पता भी बताऊंगा। सरदार अंगारा का पवन यान आ गया, भागो, छुप जाओ। अरे बर्फ में और कितना पैदल भागेंगे? मामूनी, आज तो हम गया काम से। अरे माँ, डॉक्टर जटका को ये स्कीज कहाँ से मिल गई? बड़े भैया, ये स्कीज कहाँ से ले आए? ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू, हमारे बैग पैक में स्कीज है ना यारी? ये तो बता दो कि अब मैंने क्या कर दिया यार, अब मैंने क्या कर दिया? स्कीज के बारे में पहले नहीं बता सकते थे, हम भाग भाग के थक गए। वो लोग नजदीक आ रहे हैं, भागो। बहुत दिनों बाद कुछ मनोरंजन हुआ है। गोला बारूद, इस बार कच्ची करी दो। ये लीजिए बॉस।
पास भी कौन से है? खत्म कर दो उन्हें, खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो। ओके बॉस। तुम लोग अपने आप को मेरे पायलट के हवाले कर दो। लगता है अंगारा हमें देख रहा है और प्लेन के जरिए अपनी आवाज हम तक पहुंचा रहा है। अंगारा की आग को भड़काओगे तो खाक में मिल जाओगे। अंगारा, मोटू पतलू की जोड़ी आ रही है, बच सकते हो तो बच लो। बॉस, लगता है वो सरेंडर करने आ रहे हैं। चिंगम सर रेडी? यस, आई एम कमिंग। इंजन में आग लग रही है। मेडे, मेडे, इंजन में आग लग रही है। नहीं, मेरे प्लेन, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। संतुलन बॉस, संतुलन, आग और बर्फ का संतुलन बना के रखिए बॉस। अभी बाहर मौसम खराब है और कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। कल सुबह होते ही हमारे आदमी उन्हें पकड़ के ले आएंगे बॉस। तुम लोग बहुत बहादुर हो। इमोला तुम्हारे साथ जाएगा और बताएगा कि वो कहाँ रहते हैं। हम कई बार वहाँ तक गए लेकिन उस दिन के बाद वो कभी नजर नहीं आए। बस एक वादा करो मोटू पतलू, मेरे साबू और टोबू को वापस लेकर आओगे। हम आपसे वादा करते हैं कि साबू और टोबू को आपसे जरूर मिलवाएंगे, पक्का वादा। यही वो पहाड़ है जिसके पीछे से वो लोग आते हैं। इसके बाद वो लोग कहाँ निकल जाते हैं हम में से कभी किसी ने नहीं देखा, पर ये पक्का है कि वो लोग आते इसी पहाड़ के पीछे से हैं। अगर वो लोग इस पहाड़ी के पीछे ही कहीं निकल जाते हैं तो अंदर जाने का कोई ना कोई केव या रास्ता कुछ तो जरूर होगा यारी। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? एक सच्चा दोस्त ही दूसरे दोस्त की मुसीबत में बिना कहे भी आवाज सुन लेता है। हाँ, इस पहाड़ी के पीछे जाने का रास्ता हमें मालूम है। तुम लोग हमारे पीछे आओ, पीछे आओ। आ जाओ। उरी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में आज तक मैंने इतना खतरनाक खुफिया रास्ता कभी नहीं देखा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्त वही जो वक्त पर काम आए। ओके,
बाय बाय, फिर मिलेंगे। तुम सब अंदर जाओ, मैं बाकी लोगों की मदद लेकर आता हूँ। यदि ही साबु और टोबू होंगे। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, अंगारा का डैम तो एक मिनी एयरपोर्ट जैसा है यारे। वो देखो, इनविजिबल प्लेन। तुम लोगों को इनविजिबल प्लेन की टेक्नोलॉजी चिप में अपलोड करने में कितना समय लगेगा? कितना? उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से आपके प्लेन में डालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जिन्होंने इनविजिबल प्लेन बनाया है, उन्होंने सारा डेटा बहुत ही सिक्योर रखा है, जिनको क्रैक करने में हमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें क्रैक नहीं, पूरा तोड़ डालूंगा। याद रखना, अंगारा की आग को भड़काओगे तो खाक में मिल जाओगे। नहीं 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 नहीं, अंगारा सर, हम लोग अपना पूरा जी जान लगा देगा, एक घंटे में आपके काम हो जाएगा। सर सर देखिए, सिर्फ 60 मिनट्स में पूरा डाउनलोड हो जाएगा सर। ये अंगारा तो सच में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें डाउनलोड को रोकना ही होगा। मतलब मेरे भाई मेरे यार सही कह रहे हो यार, तुम लोग डाउनलोड रोको, मैं अंगारा के बदन की गर्मी को डाउनलोड करने का एंटीडोट बनाता हूँ यार। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? चलो चलो अंगारा के पास चलो। बॉस, देखो ये मोटू पतलू यहाँ तक पहुंचे। आओ आओ महारथी, मोटू पतलू की जोड़ी यहाँ भी आ गई। यहाँ कैसे आए तुम लोग? अंदर आने का रास्ता किसने दिखाया? गेट किसने खोला? कोला बारूद, काला खट्टा। यति भैया, मुझे भी काला खट्टा और पतलू को ऑरेंज और चिंगम सर को। सर आपको क्या चाहिए? कोला बारूद क्या कर रहे हो? वो यहाँ पार्टी में नहीं आए हैं? ये बताओ, अंदर कैसे आए? मोटू पतलू की जोड़ी आंधियों को पार करके आ सकती है, तूफानों को चीर के आ सकती है, समंदर में रास्ता बना सकती है, धरती को फाड़ के आ सकती है, चाहे नदी हो, नाले हो, पर्वत हो, पहाड़ हो। इसे चुप कराओ, वरना अंगारा सबको जलाकर राख कर देगा। मोटू पतलू चाहे तो। अरे मोटू, बस बस, अंगारा को समझ में आ गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस बॉस, बॉस, संतुलन संतुलन बनाओ बॉस। पहले पूरी बात तो कर लो बॉस। मोटू पतलू कुछ भी कर सकते हैं, तो आज देखते हैं मोटू पतलू की जोड़ी एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। आज इनकी दोस्ती का इम्तिहान हो ही जाए। चलो देखते हैं।
आज दिखा दो अपनी दोस्ती का दम। तुम्हें भाग के इस मैदान को क्रॉस करना है। बीच में कहीं कहीं कच्ची बर्फ है, उस पर पैर पड़ा तो तुम खत्म, और अगर यहाँ से नहीं भागे तो बोटो खत्म। देखो अब उसके पास पहुंच रही है। ओके रेडी स्टडी गो। नहीं पतलू, इस बर्फ पर मत चलना पतलू। मोटू मैं तुम्हें आग के हवाले नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे रोना आ रहा है। शुक्रिया। अरे मोटू तुम पानी में क्यों आ गए? अरे तो क्या तुम्हें यहाँ डूबने के लिए छोड़ देता? तुम्हारे बिना मैं जी कर भी क्या करूँगा पतलू? मोटू पतलू एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ पतलू, चलो अब अंगारा को बताना है कि मोटू पतलू की जोड़ी क्या चीज है। भूत बनकर वापस आ गया।
घसीटा राम, हम भूत नहीं हैं, हम मोटू पतलू ही हैं। अरे हम बच गए हैं और अब अंगारा का राजपाट खत्म करना है। अरे तुम लोगों ने तो हमें डरा ही दिया था। चौकी झटके चुप के यहाँ अपना काम कर रहे हैं। बड़े भैया और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर और यार, और थोड़ी देर में अंगारा की आग का एंटीडोट तैयार हो जाएगा। तुम लोग क्या अभी तक घूम ही रहे हो? मोटो सिर्फ 10 मिनट बाकी है, हमें वो वायर निकालना होगा। अंगारा, हम आ गए हैं। ये दोनों फिर से आ गए? आखिर ये बच कैसे गए? पकड़ो उन्हें। इनविजिबल प्लेन लेकर भाग चलते हैं, लड़ाई खत्म होने के बाद आएंगे, वरना ये प्लेन चला जाएगा बॉस। ओ, ओके, तुम ठीक कहते हो। बाय बाय मोटो पत्तो। मोटो को देखो, अंगारा इनविजिबल प्लेन ले गया। मोटो पत्तो, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी से अंगारा को पकड़ो। जाओ। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। पतलू चलो, सब लोग एक एक प्लेन लेकर अंगारा का पीछा करो। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, ये अंगारा को खिला दोगे तो उसके अंदर की आग बाहर निकल जाएगी और वही वो जम जाएगा यारी। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। जल्दी से एक प्लेन लेकर आ जाओ, फुरफुरी नगर वालों का असली शो तो आज है। Let's go.
स्पीड, मोर स्पीड, मोर स्पीड। देखो ये रहा कलर बटन, डॉक्टर झटका, चिंगम सर, घसीटा राम, कलर बटन दबाओ और पूरे इलाके में गुलाल बिखेर दो। ये क्या कर दिया उन्होंने, मेरा प्लेन दिखने लगा। नहीं नहीं, अब मैं इनविजिबल नहीं रहा, मैं मोटू पतलू को छोड़ूंगा नहीं। संतुलन बॉस, संतुलन, आग और बर्फ का संतुलन बना के रखिए, कितनी बार कहा है, वरना आप अपना ही प्लेन चला देंगे। मुझे आग और बर्फ का संतुलन बना के रखना है, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। मोटू, कैसे भी करके डॉक्टर झटका का एंटीडोट उसके मुंह में डाल देना, मैं प्लेन संभालता हूँ। मोटू, आज तुम बच के नहीं जाओगे, आओ लड़ो। संतुलन बॉस, आग और बर्फ का संतुलन। मोटो, बाय बाय अंगारा, बाय बाय। मेरे
मेरे बदन को क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? नहीं 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 हम लोग आ रहे हैं। चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं तो ये संतुलन बना बना के थक गया था। मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच। मैं आप दोनों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मोटू, ये क्या है? अब मेरा मतलब ये है कौन? ये है अंगारा, जिसने आपका प्लेन चोरी किया था। बाकी की कहानी ये बहुत लंबी कहानी है सर, आराम से बताएंगे, लेकिन अभी बड़ी भूख लगी है। पहले जाके गर्मा गर्म समोसे खा लेता हूँ।